तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2015 के अंदर जो वैकेंसी आई हुई थी एनटीपीसी की, उसका फाइनल डीबी का कटअप जो है वो क्या रहा था भुवनेश्वर जोन का। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो है वो पीडीएफ भुवनेश्वर जोन का है, जो कि सीबीटी 2 के अंदर फाइनल डीबी का कटअप रहा था। तो फ्रेंड्स, ये कटअप बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि आपका पेपर जो है वो 120 मार्क्स का होगा, और फ्रेंड्स ये जो कटअप है ना वो तैयार किया जाता है 100 मार्क्स में से। जैसे कि मान लीजिए 120 मार्क्स में से आप इसका मान लीजिए 70% लाते हैं, तो 12×84 मार्क्स हुआ, तो फिर 100 में से आप कितना लाइएगा, 70 मार्क्स लाइएगा। तो ये जो कटअप है वो आपका 100 में से है, तो 100 में से 85 है। लेकिन बात कर लेते हैं एसएम का फ्रेंड्स, तो एसएम का कटअप को कैसे तैयार होता है वो आप एक बार समझिए। तो एसएम को देख लेते हैं, एसएम के अंदर जो कटअप है वो 70% आपका सीबीटी 2 से होगा और 30% जो है आपका साइको से होगा। अब 70% को एक बार मैं आपको समझा देता हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि आप 120 में से 70 को 70 120 में से आप मान लीजिए कि फ्रेंड्स 70% लाते हैं, मतलब कि 84 मार्क्स लाते हैं, तो 100 में से कितना लाइएगा, 12×84, तो 100 में से 70 मार्क्स लाइएगा 70%। तो अब फ्रेंड्स इस 70% में से आपको 70% लिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, एएसएम के लिए। तो 70 का 70% जब आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 37×49, तो जो ये 49 मार्क्स है वो आपका साइको के लिए लिया जाएगा सीबीटी 2 से, समझिए। और 30% मार्क्स जो है ये सीबीटी 2 से लिया जाएगा 49 मार्क्स, और 30% जो मार्क्स है वो आपका फ्रेंड्स साइको के अंदर से लिया जाएगा। और इस तरीका से एएसएम का जो है वो तैयार हो जाएगा आपका फाइनल मेरिट। तो चलिए फ्रेंड्स फाइनल मेरिट को एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए, कमर्शियल अप्रेंटिस का यूआर से 85 गया है, ओबीसी से 81 गया है, एससी से 73 है, एसटी से 71 है, और रिटायर्ड सर्विसमैन से 70 है। ट्रैफिक अप्रेंटिस से यूआर का 77 है, ओबीसी का 75 है, एससी का 66 है, एसटी का 59 है, और रिटायर्ड सर्विसमैन का 59 है। गुड्स गार्ड का यूआर का 74, ओबीसी का 74, एससी का 64, एसटी का 58, रिटायर्ड सर्विसमैन का 55। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट यूआर का 83, ओबीसी का सीट नहीं होगा, एससी का 73, एसटी का भी नहीं होगा, रिटायर्ड सर्विसमैन का 72। अब फ्रेंड्स देखिए, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करें तो जनरल का कोई सीट नहीं था, इसमें कोई सीट ही नहीं था फ्रेंड्स, मतलब ये पोस्ट जो है वो इसका इस पोस्ट का सीट नहीं होगा। और बात करते हैं फ्रेंड्स असिस्टेंट स्टेशन मास्टर यानी एएसएम का, तो यूआर का 72, ओबीसी का 72, एससी का 62, एसटी का 58, और रिटायर्ड सर्विसमैन का 59। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि 2022 के अंदर जब आपका सीटी 2 का एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपका फाइनल मेरिट जो है वो कितना पे लगने वाला है। तो फ्रेंड्स लगभग जो है वो आपका सेम मार्क्स रहने वाला है, क्योंकि देखिए अगर बात करें 2015 की वैकेंसी की तो उस समय 18,000 था, और इस समय आपका जो वैकेंसी है वो लगभग 35,000 के पार ही है। और फ्रेंड्स हालांकि इस बार कंपटीशन थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन चूंकि वैकेंसी भी डबल है तो ऐसी स्थिति में जो कटअप है वो इसी के लगभग रहने वाला है, 2-4 मार्क्स जो है वो आगे पीछे रहेगा। तो आप ज़ोर शोर से अपना सीबीटी 2 का तैयारी कीजिए, और फ्रेंड्स यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद।